अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। पंजाब एजुकेटर्स के अंदर आज हम चैप्टर वन के टॉपिक टेस्ट डाटा और टेस्ट डाटा की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आए सबसे पहले हम टेस्ट डाटा को डिस्कस करते हैं कि टेस्ट डाटा क्या होता है। जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए कि वो करेक्ट है या फॉल्स है, उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट डाटा को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म का टेस्ट डाटा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री हो, इनमें से हमने लार्जेस्ट को फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास जो हमारे माइंड में जो वैल्यूज़ आती हैं वो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो इन दैट केस आपका सॉल्यूशन आपको कौन सा लार्जेस्ट नंबर आपको देगा। इसी तरह अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल नंबर वन को 41, टू को 35 एंड नंबर थ्री को 67 दे देते हैं, तो इन दैट केस आपका सॉल्यूशन आपको कौन सा लार्जेस्ट नंबर देगा, ये सारा टेस्ट डाटा के अंदर देखा जाता है, इसको वेरीफाई किया जाता है। इसकी मदद से पता चलता है कि आपका एल्गोरिदम करेक्ट वर्क करता है या नहीं काम करता है। अब हम टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टिंग की बेस के ऊपर ही आप अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन को इम्प्रूव किया जाता है टेस्टिंग की बेस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मार्केट के अंदर एक कार लॉन्च करनी है। जब आप कार लॉन्च करने लगते हैं तो सबसे पहले उस गाड़ी को टेस्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ टकरा के। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी टेस्टिंग के लिए आप गाड़ी के अंदर एक रोबोट को बिठा सकते हैं और रोबोट की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि जब गाड़ी टकराती है तो रोबोट को कितना नुकसान पहुंचता है, आया कि इसके एयरबैग्स बिल्कुल ठीक से काम करते हैं। या इसके अलावा आप गाड़ी के मुख्तलिफ सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्टिंग को। जब ये सारी टेस्टिंग बिल्कुल कम्प्लीटली हो जाती है, जब आपकी टेस्टिंग सेटिस्फाइड हो जाती है आपके सॉल्यूशन के ऊपर, तब आपकी गाड़ी जो है वो लॉन्च के लिए तैयार होती है। अब हम टेस्ट डाटा के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में देखते हैं। टेस्ट डाटा की पहली टाइप है वैलिड टेस्ट डाटा, सेकेंड वन इज़ इनवैलिड टेस्ट डाटा, तीसरी है बाउंड्री टेस्ट डाटा, और फिर है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, एंड देन है एब्सेंट डाटा। अब सबसे पहले हम वैलिड टेस्ट डाटा को देखेंगे। वैलिड टेस्ट डाटा ये होता है कि आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अगर डाटा इनपुट किया तो वो वैलिड टेस्ट डाटा है। फॉर एग्जांपल, आपका सॉल्यूशन जो है, सपोज आपका सॉल्यूशन न्यूमेरिक डाटा को लेता है 1 to 100 तक, अगर आप 1 to 100 के अंदर से कोई भी डिजिट देंगे तो वो वैलिड टेस्ट डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5, इट इज़ वैलिड टेस्ट डाटा। एंड इसी तरह अगर आप 39 देंगे तो वो भी वैलिड टेस्ट डाटा होगा। इसके बाद इनवैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा अगर आप इनपुट रिक्वायरमेंट से तजावुज़ करते हैं, अगर आप उसकी रिक्वायर्ड इनपुट के मुताबिक डाटा इनपुट नहीं करते तो वो इनवैलिड टेस्ट डाटा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट थी 1 to 100, आपका सॉल्यूशन 1 to 100 नंबर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आप इनपुट दे देते हो 105, आप फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट दे देते हो 999, आप दे देते हो -55, तो ये तीनों आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। जब आप रॉन्ग इनवैलिड टेस्ट डाटा दोगे तो उसके मुताबिक आपके सॉल्यूशन को एक एरर मैसेज देना चाहिए कि रॉन्ग इनपुट वैल्यू एंटर्ड, प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 100। अब देखते हैं रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स क्या होते हैं। अगर आप रिक्वायर्ड डाटा फॉर्मेट को मैच नहीं करते, आप गलत डाटा फॉर्मेट एंटर करते हैं, तो वो होता है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, आपका सॉल्यूशन नंबर्स को, डिजिट्स को एक्सेप्ट करता है 1 to 100, लेकिन आप जब इनपुट देने लगते हो आप उसे दे देते हो 5D। इसके अंदर 5 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन डी जो है वो टेक्स्ट डाटा है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप 3% एंटर करते हो, ये भी रॉन्ग इनपुट है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है। AW ये अल्फ़ाबेट है, आपका सॉल्यूशन सिर्फ नंबर्स के साथ काम करता है, लेकिन आप उसे टेक्स्ट डाटा भी एंटर कर रहे हो, इन दैट केस भी आपके सॉल्यूशन को रॉन्ग इनपुट वैल्यू का एरर मैसेज जनरेट करना चाहिए और वो कहे कि प्लीज़ एंटर न्यूमेरिक वैल्यूज़। आगे आ जाएगा बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा के अंदर हम बिलो टू एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सॉल्यूशन जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लेता है 1 to 100 तक, अगर आप इसके अंदर मिनिमम वैल्यू
वन एंटर करें और मैक्सिमम वैल्यू 100 एंटर करके आप इसको चेक करें तो ये आपकी बाउंड्री टेस्ट डाटा होगा। आप इसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो कि 1 है वो देके चेक करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू जो कि 100 है आप वो देके चेक करेंगे कि आपका सोल्यूशन कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे एब्सेंट डाटा को। एब्सेंट डाटा के अंदर आप फॉर एग्जांपल कोई इनपुट को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप दो वैल्यूज को एंटर करो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप उन दोनों में से कोई एक वैल्यू एंटर कर सकते हो लेकिन एक वैल्यू नहीं एंटर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपसे रिक्वायर किया जाता है कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करो एंड आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी एंटर करो। फर्स्ट कर लें कि आपके पास आईडी कार्ड तो है लेकिन हर बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर तो नहीं होता, हर बंदे ने ड्राइविंग लाइसेंस को पास तो नहीं किया होता। इन दैट केस आपके सोल्यूशन को चाहिए कि इन दोनों में से वो चीज़ जो ज़रूरी है उसको कंपलसरी कर दे और वो चीज़ जो इतनी कंपलसरी नहीं है उसको ऑप्शन रख दिया जाए। सपोज आईडी कार्ड को कंपलसरी कर दिया जाए कि वो लाजमी ही एंटर किया जाए जबकि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को ऑप्शनल कर दिया जाए, अगर किसी के पास हो तो वो एंटर कर दे, अगर किसी के पास ना हो तो वो ना एंटर करे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।